हे दोस्तों, हम सबको जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉडी में ऑक्सीजन डायरेक्ट सप्लाई नहीं होता है, बल्कि हम सांस लेकर जो ऑक्सीजन बॉडी में इनहेल करते हैं वो ब्लड में मिक्स होता है और ब्लड के साथ हमारी बॉडी में आर्टरीज के थ्रू सर्कुलेट होता है, जिससे बॉडी के सभी ऑर्गन्स जैसे हार्ट, आईज, ब्रेन्स, हैंड्स, लेग्स एक्सेट्रा, इन सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू ही मिलता है, जिससे वो अच्छे से काम करते हैं। इसलिए बॉडी में ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ब्लड के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, हमारी बॉडी में करीब 5 से 6 लीटर का ब्लड होता है और ब्लड में बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला, रेड ब्लड सेल्स जो बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करते हैं। दूसरा, व्हाइट ब्लड सेल्स जो बॉडी के इम्यून सिस्टम में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं और बीमारियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा, जो येलोइश लिक्विड होता है जिसमें प्रोटीन्स और सॉल्ट्स होते हैं। और चौथा है प्लेटलेट्स, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, मतलब अगर आपको चोट लगती है और अगर आपका खून बह रहा है तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप स्लो होते होते रुक जाता है, जिससे आपका ब्लड लॉस ज्यादा नहीं होता है और ये हो पाता है सिर्फ ब्लड में प्लेटलेट्स होने की वजह से। बॉडी के रेड ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर जिस टाइप का एंटीजन होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। दोस्तों, एंटीजन्स एक टाइप का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स का मॉलिक्यूल होता है और ये आपकी बॉडी के डिफेंस सिस्टम का पार्ट होता है, जो जर्म्स जैसे फॉरेन पार्टिकल्स को डिटेक्ट करता है और आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को अलर्ट करता है, जिससे आपकी बॉडी उससे फाइट करके उसे डिस्ट्रॉय करती है। अब जानते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। इंसान की बॉडी में बेसिकली ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं। पहला ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप बी, तीसरा ग्रुप ए बी और चौथा ग्रुप ओ। ग्रुप ए में ए एंटीजन होता है और एंटी बी एंटीबॉडीज होती है। ग्रुप बी में बी एंटीजन होता है और एंटी ए एंटीबॉडीज होती है। ग्रुप ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है और एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी होती है। जब भी किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उसके ब्लड ग्रुप का ही ब्लड देना चाहिए। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसे ब्लड ग्रुप बी का ब्लड दिया जाए तो ग्रुप बी की एंटी ए बॉडीज दिए गए ग्रुप ए ब्लड की एंटीबॉडीज को अटैक करते हैं, जिससे इंसान ज्यादा बीमार हो सकता है और फ्यू केसेस में उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए किसी को भी ब्लड डोनेट या रिसीव करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए। अब समझते हैं एक और एंटीजन के बारे में। दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स में एक आरएच टाइप का एंटीजन भी होता है, जिसे आरएचडी एंटीजन कहते हैं, जिसका मतलब है रिसेस फैक्टर। अगर ये आपकी बॉडी में होता है तो आपका ब्लड ग्रुप आरएचडी पॉजिटिव होता है और अगर ये एंटीजन आपके ब्लड में नहीं होता है तो आपका ब्लड ग्रुप आरएचडी नेगेटिव होता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि लोगों का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव क्यों होता है। मैं आपको फिर से सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। अगर आप अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं और अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है और उसमें आरएच फैक्टर यानी रिसेस फैक्टर है तो आपका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, और अगर उसमें आरएच फैक्टर नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप है ए नेगेटिव। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है और उसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, और अगर आरएच फैक्टर नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है और उसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, और अगर उसमें आरएच फैक्टर नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है और उसमें आरएच फैक्टर प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, और अगर आरएच फैक्टर नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। दोस्तों, इनमें से ओ नेगेटिव ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी इमरजेंसी में दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें ए बी या आरएच फैक्टर में से कोई भी एंटीजन नहीं होता है, और अगर इसे किसी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं तो उसकी बॉडी कोई एंटीबॉडी डिटेक्ट नहीं करती है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन ही नहीं होता है। इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो आप किसी भी नीडी इंसान को अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जिससे आप कई लोगों की जान बचा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ब्लड ग्रुप के टाइप्स के बारे में तो समझ में आ ही गया होगा। ब्लड ग्रुप के टाइप के ऊपर से आपकी पर्सनैलिटी कैसी है उसके बारे में रिसर्च हुआ है और उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल संजय मीना को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे होगा ये कि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके बताएं कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। देखते हैं सबसे ज्यादा किस ब्लड ग्रुप के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। चैनल के बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जरूर देखिए, जिससे आपकी नॉलेज और अवेयरनेस दोनों बढ़ेगी। फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।